भगवान न करे उसे कुछ हो, लेकिन सर फट गया है, ब्रेन में चोट है, पुल टूटा हुआ है, नहीं बनाता है सरकार। लीजिए, दस बार आकर नाप हो जाता है कि नपा गया है, अब हो जाएगा, कल से काम शुरू होगा, 2 महीने में शुरू होगा, उसके बाद कोई काम नहीं। सर फट गया है, खून निकल रही है, डॉक्टर से इलाज। नया बिहार न्यूज चैनल से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम वैशाली जिला के कन्हौली धनराज गांव में आए हैं, जिस गांव का नाम तो बहुत अच्छा है धनराज, लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस पुलिया का जर्जर स्थिति है, लोगों का कहना है कि वर्षों से यह स्थिति है। नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट और रोड जो है हमारा ड्रीम है, लेकिन सपना ड्रीम जो है उनका सपना ही में ही रह जाता है, लेकिन लोगों का जो कष्ट है, आज एक छोटे बच्चे आज साइकिल से गिर गए और जिसके कारण उनका सर फट गया और अभी और डॉक्टर के यहाँ है। हम लोगों से यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि इस पुलिया के बारे में जानकारी दे कि जंजर स्थिति है, यहाँ के जो अभी तत्कालीन विधायक है, पूर्व विधायक थे, वो क्या किए यहाँ के लिए। अच्छा, आप बताएंगे कि जो पुलिया का हाल है, जंजर स्थिति है, उसके बारे में बताएं, आज बच्चा के साथ क्या हुआ। 15-20 साल से ऐसा है, और जो विधायक कोटा से कई बोला नापी हुआ, जो बन नहीं सका, और अभी भी स्थिति इस प्रकार है, जो दाहर आ जाने के बाद बनेगा नहीं जी। पानी भर जाता है इसमें, पुल के ऊपर दले बनने लगता है, जो इसमें मुहारा नहीं है। देख सकते हैं लोग काम में अस्त व्यस्त है, गाँव के ऐसे काम में लगे हुए हैं लोग, और हम उन सभी से जानकारी लेना चाहेंगे कि चाचा इसे दिक्कत क्या होता है आप लोग को। पुल आज 15-20 साल से जैसे जंजर है, यह बन नहीं पाता है। तो ऐसा विधायक को वोट क्यों देते हैं जो आपके बात को सुनता नहीं है, जो स्थिति है कि आज बच्चा यहाँ से गिर गया और उसके सर फट गया, ऐसा क्यों? पुल टूटा हुआ है, नहीं बनाता है सरकार। आप मांग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग जिस समय वोट देने के लिए आते हैं, लोग बोलते हैं कि वोट मुझे दे, तो फिर आप उनसे पूछते क्यों नहीं है, आपके आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज उठाते हैं, बन जाएगा बोलता है इलेक्शन का समय। देख लीजिए सरकार साहब, आपके जो मंत्री है विधायक है, सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं, और ये जंजरिया जो पुल है कहीं ना कहीं इस गांव के लिए हत्या करवाने पर लगी हुई है, तुली हुई। आज एक छोटे बच्चे गिर गए, भगवान न करे उसे कुछ हो, लेकिन सर फट गया है, ब्रेन में चोट है, इसके जिम्मेवार कौन होगा? वो विधायक होगा। इसके जिम्मेवार चाचा कौन होगा? विधायक होगा जिम्मेवार। आप यहाँ क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के विधायक? हम लोग विधायक से बराबर मांग करते हैं, तीसरा मतलब ये इलेक्शन हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक विधायक जी नहीं सुन रहे हैं, कहिए उनको तो कहीं हो जाएगा, इलेक्शन का समय आया तो विधायक आए, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने का काम करते हैं। आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग इसके लिए खड़ा क्यों नहीं उतरते हैं? सब लोग खड़ा उतरते हैं, सब लोग उनके हाथ मैंने लिख करके गया हुआ है, सब कुछ हो गया, पास हो गया है, कौन ठेकेदार संजय है, क्या है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सब करके चले जाते हैं लोग। वाह रे निर्मम, आपके अधिकारी सीओ यहाँ के बीडीओ यहाँ के जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है, कब जागेंगे, कब जगाएंगे, बिहार को कब नया बिहार बनाएंगे? हमारा नया बिहार जो है टीम इसी सब को जांच पड़ताल करता है और सही रूप से दिखाता है। भाई आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे इसके संबंध में, आप बोले। ये रोड जो चार दस गांव के लोग इस रास्ते से जाते हैं जी, और अभी तक ये रास्ता बना, आगे भी देखिएगा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, आगे भी देखिए गड्ढा बना हुआ रोड का जी। देख करके चले जाते हैं, अभी आपके सीओ साहब आए हुए हैं, जा रहे हैं, उनसे कुछ बयान लेना है। लीजिए, दस बार आके नाप हो जाता है कि नपा गया है, अब हो जाएगा, कल से काम शुरू होगा, 2 महीने में शुरू, उसके बाद कोई काम नहीं होता है, फिर वैसा ही रह जाता है। देख सकते हैं भैया का भी आरोप है कि 10 साल से लगभग आश्वासन देने का काम कर रहे, कब तक नीतीश बाबू के अधिकारी ठगेंगे, कब तक यहाँ के जनता के आंख में धूल झोंकेंगे? अभी तो अभी जागिए, जगाइए यहाँ के लोगों को। चाचा से हम जानकारी लेंगे इस विषय में, चाचा बोले क्या बात है? आज से 1950 का पुल बनने के बाद आज तक कोई भी सरकारी और न उस पुल का रिपेयरिंग हुआ, और फ्लड में यही सीओ आपके आके देखे, वीडियो देखे, नाव कह के गए जो हम नाव देंगे, वह भी नहीं अति दिए, सिर्फ आश्वासन देते हैं, केवल आश्वासन। और मिली भगत है यहाँ के जमींदारों और यहाँ के जो सरकार के दलाल है,
और जो यहाँ का मतलब पंचायती राज का, चाचा को गर्दन में दिक्कत भी है फिर भी आक्रोश इतना है जो बोल रहे हैं जोर जोर से, कहीं ना कहीं इनके अंदर जहन में आक्रोश है इतने सालों से इस पुलिया को जो जंजर स्थिति। और उसके बाद हम पूछते हैं केवल पुलिया से ही तो नहीं समस्या का हल होगा, पुलिया विकास का एक बड़ा नजारा नहीं है। फ्लैग मतलब अथी रोड जो ठेकेदार बनवाया, ये फ्लैग बनवाया नहीं बनवाया, किनारे को दिखा दिया जाए, किनारे को देखिए बगल में मिट्टी दिया नहीं, फ्लैग बनवाया खा के और दूसरे के जमीन में सड़क बना दिया। अच्छा, सड़क के जमीन यहाँ का जो जन प्रतिनिधि है एक्वायर करके उसमें गैरेज घर और जो ओरिजिनल मठ मंदिर का जो जमीन है ब्रह्म स्थान का उसको एक्वायर कर लिया और सरकार के जमीन में सड़क के जमीन में झूठा मंदिर बना के पीपर रोक के अति सड़क को अवरुद्ध किए हुए है। देख सकते हैं इस चाचा का बहुत बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं। और जो आपका सीओ जो है एनओसी दिया इस ठेकेदार को, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी सर्टिफिकेट दे दिए इन ठेकेदारों का सबसे बड़ा। और मतलब सरकार का जमीन उपलब्ध है नहीं और काश्तकार के जमीन में नल जल योजना उसी तरह से पड़ा हुआ है। नल जल योजना तो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है नीतीश बाबू का, इस पर आपको क्या कहना है? इस पर कहना है झपला करके खा गया मुखिया, हम लोग पानी नहीं पिए, पानी अभी तक नहीं, हम लोग को पानी नहीं मिला एक बूंद, उसमें भैंसी बांधता है, पानी ऐसे कर देंगे, ऐसे जल दे देंगे, नल दे देंगे, ये कर दिए वो कर दिया, कुछ नहीं किया। जल पर भी बहुत बड़ा आरोप है, छोटे छोटे बच्चे को लेट हो रहा है, थोड़ा उधर का भी फोटो दिखाया जाए, बच्चे स्कूल से हैं। वार्ड नंबर दू और स्कूल का जमीन कुछ दबंगों जो द्वारा कटवा के बेच दिया गया और नाजायज दूसरे पर ब्लेम करके दूसरे का कास्तकार का बगल का जमीन कटवा लिया। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करना न भूले, सब्सक्राइब करना न भूले, जहां तक तो इस आवाज को बुलंद करे और सदन तक पहुंचाने का कार्य करे। सदन आपके जो अति विधायक है, चार विधायक, दू MP हो गया और आज तक यह पुल पुलिया का सड़क बहुत बड़ा आरोप है, चार विधायक दो सांसद बदल गए लेकिन पुलिया का जो जंजर स्थिति है वो नहीं बन पाया। और कन्हौली धनराज पंचायत में बिशनपुरा से धनराज का लिंक, फतेहपुर का लिंक टोटल टूटा हुआ है और हर इलेक्शन में मुखिया को और BDO को फंड मिलता है जो अप्रोचिंग बूथ का रोड मरम्मत कराने के लिए जो मतलब मजिस्ट्रेट या प्रिजाइडिंग की गाड़ी और विजिलेंस का आ सके, लेकिन 5 इलेक्शन हो चुका आज तक अप्रोचिंग बूथ का रोड भरवाया नहीं, पेपर पर भरवा के पैसा उठा लिया, BDO कमीशन खाया, हम पूछते हैं CO कमीशन खाया, वार्ड मेंबर कमीशन खाया, मुखिया कमीशन खाया। कमीशन खोर का आरोप है चाचा का और इस गांव विकसित हो, यहां के लोग विकसित हो, इसके लिए चाचा का कहना है। यह गांव 1900 आजादी के पहले था विकसित, नहर था, पुल था, स्कूल था, आजादी के बाद टोटल विकास यहां के दबंगों और प्रशासन के द्वारा खत्म कर दिया गया। चाचा का कहना है कि आजादी के बाद, आजादी से पहले विकास था और आजादी के बाद विनाश हो गया, तो इसे बदलिए और स्वरूप आगे बढ़िए। जो आप देख सकते हैं कि छोटा मासूम बच्चा, इसका क्या गलती रहा होगा, इसका क्या कमी रही होगी, स्कूल आने के क्रम में बच्चा घर जा रहा था, उसी बीच में नीचे पुलिया के नीचे देख रहा था, बच्चा है, दिल का सच्चा है, कहीं ना कहीं इसका मन में कुछ रहा होगा, मछली देखने का मन होगा या किसी भी चीज देखने का मन हो, ये बच्चे नीचे की ओर देखा और इस जंजर पुलिया ने इसे जान जोखिम में डाल दिया। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, यही वो बच्चा है जिसको दुख दर्द कितना दिन तक होगा, लेकिन ये सरकार, यहाँ के विधायक को दर्द नहीं पहुंचता है, सिर्फ वोट लेने के समय आपको ठग बुद्धि से आएंगे और आपसे वोट लेकर जाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। विकास के नाम पर विनाश देने का काम किया है, विकास के नाम पर सरफटने का कार्य किया है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों को। बाबू आपका नाम क्या है? शिवशंकर कुमार। पापा का नाम क्या है? इंदल पासवान। आप कौन क्लास में पढ़ते हो? छठा। कौन से स्कूल में? सरकारी। आगे चल के क्या बनना है? टीचर बनोगे, पुलिस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे बोलो? पुलिस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे बोलो? पढ़ लिख के डॉक्टर। देखिए इस बच्चा का सपना है, खुद का सपना है डॉक्टर बनने का, आज बच्चे पेशेंट बन चुका है, बच्चे का सपना है डॉक्टर बनना लेकिन बच्चे पेशेंट बन चुका है। और जंजर स्थिति,
कहीं ना कहीं इस बच्चे को सदमे में लाने का कर दिया है काम, इस गार्जियन को कहीं ना कहीं सदमे में लाने का काम कर दिया है। सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं, क्या आरोप लगाना चाहते हैं? बनाना है पुल, बने पुल, बने पुल, बने पुल बनाए। कितने दिनों से इस जर्जर स्थिति में है? 5-6 साल, 20 साल, 25 साल से। कितना सालों से? देख सकते हैं यहाँ के लोगों का फोटो दिखा दिया जाए, हम यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि चाचा आप बताएं कि कितना दिनों से ये जर्जर स्थिति में फंसा हुआ है? 20-25 वर्ष से है, इसका हालत खराब है, वहाँ भी आगे टूटा हुआ है, आगे भी टूटा हुआ है। हम हर जगह का वीडियो दिखाएंगे, छोटा छोटा वीडियो दिखाएंगे, लोगों में आक्रोशित है, कहीं ना कहीं में भी रास्ता बंद हो गया था, 5 किलोमीटर परिक्रमा कर करके जाते थे इधर के भी ले ली। अभी के भी समय में नीतीश बाबू आप कहते हैं ना कि मेरा उड़ता हुआ बिहार है, ये तो डूबता हुआ बिहार का संदेश है सरकार। इधर का भी छीन ले विधायक जो कुछ हम लोग बताए थे आकर के देख के गए थे, लेकिन अभी तक उनका भी ध्यान इस पर नहीं है। आप युवा है भैया, आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं इस पुल के बारे में? आप ही के युवा टीम है, उस बच्चे के साथ अभी दुर्घटना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ अगर और आगे हो जाता इसके जिम्मेवार कौन होता? जिम्मेवार सरकार होगा, देगा इसको मौका। आप उस सरकार के प्रतिनिधियों को वोट क्यों देते हैं? अगर वोट देते हैं तो पूछते है क्यों नहीं है, उससे काम क्यों नहीं करवाते हैं आप? नजर नहीं आते हैं उसके बाद लोग आते हैं वोट देने के समय, वोट ले लेते हैं जनता के पूर्वक बना के, उसके बाद नहीं देते हैं। तो जनता के आंख में धूल झोंकते हैं तो फिर आप उनपे उनके यहाँ जाते क्यों नहीं है? लोग इकट्ठा होकर लोग का गरीब आदमी का पहुँच नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं है। आपके पावर को पता नहीं है, आप जनता, यहाँ के जनता मालिक होता है, आप आवाज उठाइए, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों तक आवाज उठाइए, आप युवा है, कहीं ना कहीं भविष्य है यहाँ का। चाचा आपके साथ क्या हुआ है? सामान लेके जा रहे थे, हाँ, एक बैग गिर गए, गिर गए, हाँ। चोट भी लगा कि सब देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से कि पूरा काला पड़ा हुआ है हाथ, कहीं ना कहीं ये हाथ जो गरीब किसान मजदूरों का होता है, कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधियों इनके साथ शोषण करने का काम कर रहा है। हम सरकार के जनप्रतिनिधियों से मांग करना चाहते हैं, इस नीतीश बाबू के सरकार से मांग करना चाहते हैं, डबल इंजन के सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो निर्मम हत्या करने पर तुले हुए हैं, ऐसे सुधार करने का काम करें और बिहार को सही रूप से सुचारू रूप से विकास के अलावा विनाश करने का कार्य न करें। सुनते रहिए मिट्टू ठाकुर के साथ, हमारे सहयोगी कैमरामैन जुनाद साहब, धन्यवाद।